नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बी ए तृतीय वर्ष ग्रह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम वस्त्र की गणना काउंट ऑफ क्लॉथ के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्त्र की सघन बुनाई ई और टिकाऊपन, कार्यक्षमता और ड्यूरेबिलिटी के लिए उत्तरदायित्व होता है कि वस्त्र की बुनाई सघन होनी चाहिए, अर्थात इसलिए वस्त्र की प्रति इंच ताने और बाने की उचित संख्या का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। वस्त्र को में प्रति इंच धागों की संख्या जितनी अधिक होगी, वस्त्र उतना ही सघन होगा। साथ ही पिकिंग क्रिया के पश्चात बीटिंग द्वारा अच्छी तरह से ठुकाई यदि करी जाती है तो जिससे निर्मित वस्त्र एक्चुअली छिद्रयुक्त नहीं दिखाई देता है। सघन बुनाई वाले वस्त्र विशेष गुणवत्ता युक्त होते हैं, इनमें श्रम और सामग्री दोनों अधिक खर्च होती है। इसी कारण से सघन रचना वाले ये जो वस्त्र होते हैं यूजुअली कॉस्टली या महंगे होते हैं। प्रति इंच धागों की संख्या जितनी अधिक होगी, वस्त्र उतना ही अधिक सघन, चिकनी सतह वाला और मुलायम होगा। ऐसे वस्त्रों से हम परिधान निर्मित करते हैं। वस्त्र की गणना हेतु प्रति इंच ताने और बाने के धागों की गणना की जाती है। वस्त्र में यह गणना प्रति वर्ग इंच से की जाती है। इन्हीं प्रति वर्ग इंच में ताने और बाने की संख्या को वस्त्र गुणांक कहते हैं। द यार्न पर इंच इन रैप एंड वेव इज कॉल्ड फैब्रिक क्लॉथ काउंट। अगेन रिपीट कि जो वस्त्र की यह गणना प्रति इंच वर्ग से की जाती है, इन्हीं प्रति वर्ग इंच में ताने व बाने की जो संख्या होती है उसे ही वस्त्र गुणांक कहते हैं। द यार्न पर इंच इन रैप एंड वेफ्ट इज कॉल्ड फैब्रिक क्लॉथ काउंट। ओके, वस्त्र गणना को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं जैसा कि डॉक्टर लेबार्थ ने अपने अंग्रेजी शब्दों में कहा है, फॉर मैक्सिमम इट्स शेप एंड डायमेंशंस इट इज लॉजिकल टू एक्सपेक्ट लेटर सर्विसेज फ्रॉम मोर मियर क्लोजली एंड फर्मली वुवन फैब्रिक देन वन विच इज एक्सट्रीमली ओपन इन टेक्सचर। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द वीव इज मेजर्ड बाय द काउंट ऑफ क्लॉथ। अर्थात जितने सघनता से वस्त्र बुना जाता है वही एक्चुअली हम उसकी काउंट ऑफ क्लॉथ कहते हैं। कितनी डिग्री से ये क्लोजनेस है, बहुत अधिक क्लोज होगा तो बहुत अधिक इसकी आपकी ये एक्चुअली काउंट ऑफ क्लॉथ होगी। वस्त्र की सघनता की गणना प्रति वर्ग इकाई जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच में ताने व बाने की संख्या से की जाती है। अधिकांशतः इसकी गणना के लिए प्रति वर्ग इंच का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रति वर्ग इंच से ताने व बाने की संख्या के आधार पर वस्त्र की गुणवत्ता को सहज जांची जाती है। वस्त्र की गणना के लिए प्रति इंच वर्ग के धागों को संख्या पहले बाने की संख्या और ताने की संख्या लिखी जाती है। उदाहरणतः यदि किसी वस्त्र के एक वर्ग में तानों की संख्या 75 व बाने की संख्या 65 है तो उसके लिए 75 inches × 65 inches लिखा जाता है। ताने व बाने की संख्या समान होने पर, फॉर एग्जाम्पल 60 दोनों साइड है, ताने भी 60 और बाना भी 60, तो इसको 60 inches × 60 inches लिखा जाता है, तो उस वर्ग को 60 square लिखा जाएगा। और कभी कभी उसके जोड़ के एक ही और जैसे 60 + 60 = 120 अंकित रहता है, इसे टाइप नंबर कहा जाता है। वस्त्र के गुणांक या गणना संभव असामान्यतः वस्त्र के किनारे सेल्वेज पर छपा होता है या वस्त्र के साथ लगे लेबल पर अंकित होता है। अधिक गुणांक वाला वस्त्र उच्च कोटि का होता है जबकि कम गुणांक का वस्त्र निम्न स्तर का होता है। कभी कभी
वस्त्र पर की गई परिसज्जा के कारण हम वस्त्र का सही गुणांक ज्ञात नहीं कर पाते और हमारे समक्ष भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में वस्त्रों की जांच के लिए हमें अंगूठे या उंगली के बीच में वस्त्र को दबाकर इस तरह से रगड़कर देख लेना चाहिए, क्योंकि उस पर कई बार साइजिंग या कलफ लगी होती है जिसके कारण से हम सही ढंग से वीविंग नहीं देख पाते हैं। और यदि हम सही ढंग से वीविंग नहीं देख पाए तो हमारे जो वस्त्र की क्वालिटी का हम सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपनी उंगली और अंगूठे के बीच वस्त्र को रगड़ कर देखते हैं और पाते हैं कि धागे आगे या पीछे हो जाते हैं तो वस्त्र का गुणांक तुलनात्मक कम होता है, जो कि निम्न स्तर दर्शाता है। ऐसे वस्त्रों में तनाव सामर्थ्य कमज़ोर होता है। यूजुअली वस्त्र की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और सर्विसबिलिटी, इन तीनों चीज़ों के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो उसका मजबूती है, जो ड्यूरेबिलिटी है, जो लाइफ पीरियड है, वही हमारी वस्त्र की गणना पर निर्भर करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम वस्त्र को जब भी निर्मित करें तो हमें वस्त्र के काउंट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आइए अब हम सेकंड टर्म, जो कि बुनाई के अंतर्गत यूज होता है, बैलेंस ऑफ क्लॉथ, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। वस्त्र में ताने और बाने के धागे की संख्या के आधार पर वस्त्र संतुलन आधारित होता है। अतः वस्त्र के ताने बाने के धागों के अनुपात को हम वस्त्र या असंत का संतुलन कहते हैं। समान ताने व बाने के संख्या वाले वस्त्र संतुलित होते हैं। इसका अनुपात 1:1 होता है तथा इसे संतुलित वस्त्र कहा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी एक इंच वर्ग में ताने और बाने की संख्या 75:75 है तो इसका अनुपात 1:1 रहता है और इस प्रकार के वस्त्र को हम संतुलित वस्त्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इस प्रकार के वस्त्र हमेशा ड्यूरेबल, मजबूत और सर्विसबिलिटी, कार्यक्षमता में बहुत अधिक उच्च कोटि के होते हैं। असमान गुणांक वाले वस्त्रों को असंतुलित कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ताने की संख्या 90 और बाने की संख्या 60, तो 90/60 अर्थात तानों की संख्या आप प्रति इंच 90 और बाने की संख्या 60, ऐसे वस्त्र आपके निम्न कोटि के कहलाते हैं। संतुलन से वस्त्र की गुणात्मकता प्रभावित होती है। वस्त्र के संतुलन की जांच सहायता से की जाती है, एक सहजता से की जा सकती है। इसके लिए वस्त्र को दोनों हाथ में दबाकर खींचने पर जिस तरफ धागों की संख्या सघन होकर खींचती है वह उस और अधिक मजबूत होता है, जबकि इसकी विपरीत दूसरी तरफ वाले धागे दूर दूर हो जाते हैं और वहीं से धागे खींचते हैं तथा वस्त्र कमजोर हो जाता है। जैसे कुछ कपड़े, चादर, तौलिया, मेजपोश, ड्रेपरी आदि, इन वस्त्रों में जहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वस्त्र को बहुत रगड़ या फ्रिक्शन को झेलना होता है, वैसे में हमारे वस्त्र का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक्चुअली दो और टर्म्स हैं, सेल्वेज, रैप, वेफ्ट और काउंट ऑफ क्लॉथ और बैलेंस ऑफ क्लॉथ, जो कि हम बुनाई के लिए उपयोग में लेते हैं, जो फैब्रिक निर्माण के तहत काम आते हैं और इससे हमारे फैब्रिक की हम जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है और उसके गुणों को हम पहचान सकते हैं। धन्यवाद।